हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं मार्केट से गुजर रही थी तो मैंने एक स्टॉल देखा जहाँ पे पूरा वुडन का आइटम था, मसाजर है। इस पे पैर रख के ऐसे इसको पैरों को रोल करने का, उस पर तो फुट में मसाज हो। उनके पास एक से एक आइटम था। और ये देखो, ये हाउस जैसा दिख रहा है, जैसे घर में डेकोर की पीस हो, बट ये कोस्टल है। मतलब जो चाय की कप होती है ना, हम नीचे फ्लोर पर रखते हैं तो वहाँ पे दाग स्ट्रेन हो जाते हैं, तो इस कोस्टर पे चाय रखने के लिए है। और ये ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें आप कोई भी ज्वेलरी रख सकते हो। मुझे सारे आइटम थोड़े यूनिक और डिफरेंट लगे। वैसे तो मैं ऐसे ब्लॉक करती हूँ रास्ते, और यहाँ काफ़ी सारा अंधेरा भी था। वैसे मैं गई थी दही हांडी देखने के लिए, और मुझे ये स्टॉल दिख गया तो मैंने बोला इन्फॉर्मेशन शेयर कर सक। दही हांडी की वीडियो भी मैंने डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए देखिए, और उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। गेट पे जो लगाने का रहता है कीज़ वगैरह हैंग करने के लिए, और पीछे आप देख रहे हो वुडन स्लीपर है जो पहले भी हमारे दादाजी लोग पहनते थे। ये आई थिंक पीलर है, वुडन का पीलर है इनके पास। ऑलमोस्ट नहीं, पीलर है या फिर हैंड मसाजर है, आई हैव नो आइडिया। बट मुझे पीलर जैसा दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है ये मुझे लगता है बाथिंग के लिए है। जो बैक साइड में जो बाथिंग के लिए रब करते हैं ना, वो है। और बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास, बहुत सारी। कुछ चीज़ें तो समझ में भी नहीं आई मुझे, मिरर था, बट सभी चीज़ें वुडन की थी। मुझे बहुत यूनिक लगा और डिफरेंट लगा, तो मैंने वो मनी बैंक था वो जो आपको दिखा। और ये देखिए, वुडन की ना साइकिल है, ये भी बहुत खूबसूरत थी देखने के हिसाब से। मतलब अगर आप सो पीस के लिए इसको रखना चाहो घर पे, और इसकी कॉस्ट आई थिंक 250 रुपीज़ थी। मुझे तो 250 रुपीज़ के हिसाब से इसकी क्वालिटी वर्थ लगी। हैवी था, मतलब रियल साइकिल जैसे मटेरियल होते हैं ना, वैसी मटेरियल थी। और मेरे बेटे को ये चाहिए थी, मैं उसको दही हांडी दिखाने लेके गई थी ना, तो भी मेरे साथ था। तो ये बुक स्टैंड है, ये भी बहुत प्यारा है। मतलब पूजा के लिए या फिर नॉर्मली भी बच्चे आपकी बुक पढ़ते हैं तो आप ये बुक स्टैंड यूज़ कर सकते हो। मेरा ध्यान तो इस साइकिल से नीचे ही नहीं जा रहा। ये और ये क्लॉक थी, हिरन का शेप बना हुआ था इसमें, डियर जैसा लग रहा था वो, और वो फूटने वाला था। उधर मनी बैंक थे इनके पास, काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन थे। और ये देखिए, ये ना एक शेल्फ जैसा, इसमें आपको चीज़ आपके आते हैं ना पोस्टमैन जैसा, पोस्ट कार्ड वगैरह रखने के लिए और कीज़ हैंग करने के लिए, ये दो पर्पज़ से यूज़ था। और मैं जा ही रही थी कि मुझे एक खाट दिख गया, तो मैं ये खाट देखने के लिए इधर साइड आ गई। आप देख सकते हो, इसको हम लोग खाट ही बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो। ये खाट भी वहाँ मिल रही थी, इसको आप कान्हा जी को, उन्होंने तो, उनसे मैंने पूछा इसका क्या यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा कान्हा जी को इस पर रखने के लिए, कान्हा जी को सुलाने के लिए ये लोग बाय करते हैं मोस्टली। बट आप ऐसे इसको सो पीस, एज अ सो पीस भी खाट को यूज़ कर सकते हो। वुडन ट्रे है इनके पास, ये